आए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदयों को उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को आराधना स्तुति देने के लिए खोलेंगे। अपनी आत्मा को उसके हाथों में शांत करेंगे, अपने मन को उसके हाथों में समर्पित करेंगे, क्योंकि उसने कहा है शांत रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। आए हम सभी अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। जब हम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को मिलने आए हैं, उसको आराधना स्तुति देने आए हैं, हम हमारे सारे पापों के लिए क्षमा मांगेंगे पूरे दिल से, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्षमा और शुद्ध करता है। अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, अपने दुखों को हम एक साइड पे रखेंगे। आज हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे। जब हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे, वो हमारे बीच में उतर आएगा, क्योंकि वचन कहता है जहां एक या दो मेरे नाम से उपस्थित है उनके मध्य में मैं हूं। प्यारे परमेश्वर यहोवा पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपके चरणों में आने के लिए हम योग्य नहीं हैं, पर आपके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से, अपराधों से माफ करता है, शुद्ध करता है और हमें आपकी उपस्थिति में आने के लिए योग्य ठहराता है। पिता, हम इस जगह पर यीशु मसीह के नाम से आपके लिए स्वतंत्रता को घोषित करते हैं। पवित्र आत्मा देव, हम इस जगह पर आपके लिए स्वतंत्रता को घोषित करते हैं। पिता, यहाँ पर खड़े एक एक व्यक्तियों के मन, हृदय, विचार, प्राणात्मा, जीव, शरीर में पिता हम स्वतंत्रता को घोषित करते हैं, ताकि यीशु मसीह आपकी आराधना स्तुति हम आत्मा से और सच्चाई से कर पाए। पिता, इस जगह से और इस जगह की सारी सेवकाइयों से यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा उठे। इस जगह के हर एक व्यक्तियों से यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा उठे। इस जगह के हर एक हृदय से यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा उठे और हर एक जुबा कबूल करे कि यीशु मसीह आप ही प्रभु हो। आमीन। पिता, शैतान और दुष्ट आत्मा की सारी चालों को हम यीशु मसीह के लहू से बांधते हैं, निष्फल करते हैं और तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशुआ, आपकी आराधना स्तुति करने के लिए आप हमारी अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नहीं तेरे
Yeshua,
जैसा कोई, साथ मिलके गाएंगे यीशुआ उसके उपकारों को याद करते हुए, नहीं तेरे जैसा कोई यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई सत्य जीवन तू ही है यीशु यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई यीशुआ नहीं तेरे यीशुआ मसीहा, आपने हमें नाश के गर्त में से बाहर निकाला, आपने हमें नया जीवन दिया। इस नए जीवन के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते पिता, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, पर आज हम सब मिलकर हमारे दिलों को आपको समर्पित करते हुए हमारी आराधनाओं को आपके चरणों में लाते हैं। यीशु मसीह, आप इस जगह पर महिमा पाए, आप इस जगह के राजा हो, आप इस जगह के मालिक हो, आप इस जगह के अधिपति हो पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके सामने देखते हैं और पिता धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसा कौन परमेश्वर है जो अपनी प्रजा से ऐसा व्यवहार करता है, इतने निकट रहता है। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ आप ही हो यीशु मसीह, आप ही हो यीशु मसीह जो हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ चलते हो, हमें बाहों में थाम लेते हो, हमें उठा लेते हो, हमें उठाकर चलते हो। आप हमें परमेश्वर यहोवा पिता, आप हमें अपने दाहिने हाथ से, धर्मी दाहिने हाथ से पकड़े रखते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आओ परमेश्वर को महिमा देते हुए गाए, मिलकर हम सभी यीशु की स्तुति करें रूह में गा गा कर, क्योंकि तू है प्रभु। सारे मिलके नाचेंगे हम, डफली भी बजाएंगे हम, ऊंचे सुर में गाते हुए यीशुआ। हालेलुया, ताली बजाते हुए मिलकर हम सभी यीशु की स्तुति करें, रूह में गा गा कर, क्योंकि तू
राजा के संदूक को इज़राइल में लेकर आ रहे थे। राजा सब कुछ भूल गया के वो राजा है, दाऊद सब कुछ भूल गया के वो राजा है, और वो वाचा के संदूक के आगे पागलों की तरह नाच रहा था और उसकी प्रजा भी नाच रही थी और सारे लोग उसे देख रहे थे, पर वो किसी की परवाह किए बिना राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के आगे नाच रहा था। जब उसकी बीवी ने उससे कहा कि एक राजा अपने अधिकारियों की जो दासियां होती है उसके सामने अपने आप को ऐसे नाचते कैसे देख सक कैसे नाच सकता है, तब राजा कहता है मुझे तेरे पिता के ऊपर राजा बनाने वाले परमेश्वर के आगे मैं नाचता हूँ। राजा दाऊद जानता था कि उसका राजा होना वो उससे नहीं है पर परमेश्वर से, इसलिए वो परमेश्वर के आगे नम्र होकर नाच रहा था। आइए हम भी परमेश्वर के आगे राजा दाऊद के समान आनंद से हर्ष से नाचे और गाए और यीशु मसीह की स्तुति करें। तेरे लिए प्रभु हम चांद बजाते हैं, तेरे सिंहासन के आगे झुके जाते हैं, ये जीवन तुझे से गए तेरे लिए।
के आगे झुक जाते हैं। ये जीवन प्रभु चरणों में अर्पण है, सब कुछ यीशु मसीह। अब धन्यवाद करते पिता, पिता आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो पिता, आपके सामने सारी सल्तनत झुकती है, फिर भी यीशु मसीह आप हमारे खातिर इस पृथ्वी पर आए और पिता हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, हमारे लिए मरे पिता, हमारे लिए हमारे पापों के लिए हमें अनंत जीवन मिले इसके लिए आपने बलिदान किया पिता। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी पिता, क्योंकि आप एक शब्द बोलते और हो जाता, पर यीशु मसीह आपने चाहा कि आप हमारे दुखों के सहभागी हो, आप हमारे लिए सूली उठाओ, आप हमारे दर्द और हमारी पीड़ाओं को जानो, और आपने अपना स्वर्गीय राज्य छोड़कर हमारे बीच आकर हमारे लिए अपना समर्पण किया, हमारे लिए मृत्यु पाए पिता। जब आप सूली लेकर जा रहे थे पिता, आपका लहू बह रहा था और पिता आप चल नहीं सक रहे थे, पर यीशु मसीह आपकी नज़र में तब हम थे, आपकी नज़र में तब हम थे। हमारे लिए पिता आपने वो सब पीड़ाएं सही, वो सारे दुख सहे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आपके वो बलिदान को जो आपने हमारे लिए किया है हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पिता आपका बलिदान बहुमूल्य बलिदान है पिता, और उस बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपका लहू हमारे लिए बहा गया ताकि हमको पापों की माफ़ी मिले, आपका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हमारे सारे श्राप टूट जाए, और आप तीसरे दिन मृतकों में से सजीवन उठे ताकि हम भी सजीवन हो। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए यीशु मसीह को महिमा देते हुए गाए, यीशु तू मेरे खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरे पाई है मैंने अब्दि शिफा मेरे नाजरी। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू से हमने अब्दि शिफा पाई है, क्योंकि वचन में कहा गया है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु में से जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, तेरे लिए फिर
बिगड़ा जाता था, उस चेहरे का नूर जला ली, बरसा दे मेरे नाज़री। वचन में लिखा गया है उसमें कोई सुंदरता नहीं रही थी। वचन में लिखा गया है उसके चेहरे पर लोगों ने थूका और उसकी दाढ़ी को उन्होंने खींचा। उनका चेहरा, यीशु मसीह का जो रोशन चेहरा था, वो खून से बिगड़ा जाता था। और वो जो दुख और पीड़ा सह रहे थे उसके कारण से कोई उन्हें पहचान नहीं सक रहा था। वो पीड़ा और वो दर्द यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। आए उस यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए, उनका वो बलिदान याद करते हुए गाए, रोशन चेहरा यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था। यारो, परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, वचन में, शास्त्र में साफ लिखा है, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। ओ प्यारो, ऐसा मार उसने सहा आपके और मेरे लिए। लिखा है उसका रूप यहां तक बिगड़ा था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। उसको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये इंसान है। प्यारो, आप सोच सकते हो क्या दाऊद भविष्यवाणी के रूप में गीत गाते हुए ऐसा कहता है कि मेरे आसपास खून से प्यासे भेड़ियों ने मुझे घेर लिया है,
और आगे कहता है, मेरी सारी हड्डियों को मैं देख सकता हूं। आप सोच सकते हो, उसके चेहरे की हड्डियां भी बाहर आ गई थी, इतना भारी मार यीशु ने आपके और मेरे लिए सहा। क्योंकि वचन यह कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उसका कोई पाप नहीं था। उसके आसपास में लटकाए हुए चोरों ने यह बोला, उसमें से एक चोर ने यह बोला कि हम तो अपनी सजा झेल रहे, बट ये तो बेगुनाह और निर्दोष है। इसने क्या गुनाह किया है कि हमारे समान ये सजा झेल रहा है? वो सजा आपके और मेरे लिए झेल रहा था प्यारो, हालेलुया। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, लिखा है वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वो मारा नहीं गया बट प्यारो कुचला गया। लिखा है हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया था। लिखा है वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्यारा उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो शांत इसीलिए रहा आपकी और मेरे छुटकारे के लिए। उसने प्राण, उसके प्राण किसी ने ले नहीं लिए, उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए हैं प्यारो। उसका रूप यहां तक बिगड़ा था, बाइबल कहता है मनुष्य का सा है, वो जान नहीं पड़ता था। रोशन चेहरा यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था, उस चेहरे का नूर जला ली प्यारो, वो लहू से महिमा पाया हुआ है। उसने लहू हमारे लिए बहाकर उस महिमा में प्रवेश किया है प्यारो, और वो महिमा उसने हमारे लिए जाहिर की है प्यारो। आए उसकी ओर देखें, आज वो चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं है, आज वो चेहरा खून से जलनी नहीं है, आज वो नूर और जलाली चेहरा है प्यारो, वो प्रकाशित चेहरा। इसीलिए कहता है कि उसकी तरफ देखो और प्रकाशित हो जाओ, ताकि तुम्हारे मुख कभी भी लज्जित नहीं होंगे, कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। ओ प्यारो, इसीलिए इसने, उसी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने शूली का दुख हमारे लिए उठाया है प्यारो। उसको पता था कि मैं बहुत भारी कीमत चुकाने जा रहा हूं, और चुकाने से पहले उसने 3 बार दुआ भी की कि परमेश्वर अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर, पर उसमें प्रभु की इच्छा थी कि वो हमारे लिए मारा जाए, कुचला जाए, और उसने कुचल जाना आपके और मेरे लिए पसंद किया प्यारो। धन्यवाद करे, हाथों को उठाए, खो जाए उसकी सुंदरता में। वो पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए पीछे नहीं रख छोड़ा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आपके और मेरे लिए संसार में भेज दिया है प्यारो। उसको अपना कर आप और मैं अंधेरे में नहीं रह सकते, हम जलाल में महिमा में प्रवेश पा रहे हैं प्यारो। उसकी ओर देखें, उसके चेहरे के नूर को देखें, आप खुद ब खुद नूर में तब्दील होते जाओगे प्यारो। रोशन चेहरा यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था, रोशन चेहरा यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था, उस चेहरे बिगड़ा जाता।
Yeah.
बारी सूली था
वेदनाओं को पीड़ाओं को आपने हमारे लिए सहा, आपने हमारे लिए एक शब्द भी नहीं बोला, हमारे लिए चुपचाप सारी ताड़नाएं सारी वेदनाएं सहते रहे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या दे सकते हैं यीशु मसीह हम आपको आपके उपकारों के लिए? कुछ भी नहीं दे सकते पिता, हम आपको सिर्फ धन्यवाद देते हैं। हम सारी कलीसिया मिलकर पिता तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ये जानते हुए कि आपने जो किया हमारे लिए, वो अगर ना किया होता तो हम में से आज एक भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता, हम में से आज एक भी यहाँ पर जिंदा खड़ा नहीं होता। पिता आपके उपकारों के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल यीशु मसीह के नाम पे यहोवा पिता हम आपके चरणों में लाते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।